जदयू में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राजद के कुम्हरार विधानसभा से उम्मीदवार रह चुके डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आज जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं उनके साथ आए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मिलित किया गया, जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी में इनका स्वागत है और पार्टी को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। वही लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग बिहार के जनता के सुख और दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए हैं, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। खड़ा हो जाएगा चुनाव, ऐसा कहीं होता है? बिहार में बाढ़ की इतनी बड़ी विभीषिका थी, कहाँ थे प्रतिपक्ष के नेता, कहाँ थे उनका परिवार, कहाँ था वो पार्टी जिस पार्टी से आज धर्मेंद्र जी छोड़ के इस पार्टी में शामिल? कहीं नहीं। पूरा बिहार, पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, कहाँ थे? कभी एको बार नहीं आए। उनके क्षेत्र के लोगों का भी देखे कहीं वीडियो, उन लोगों ने कहा कि बाढ़ में एको दिन हम लोग का हालो चाल भी पूछने आए। अब जो कंस्टिट्यूएंसी का अपने विधानसभा क्षेत्र का हालचाल नहीं पूछ सकता है, वो बिहार का हालचाल क्या जाने? ऐसी पार्टी में थे ये, लेकिन अब थे बेचारे शरीफ आदमी थे तो फंस गए थे, अब फंस गए थे तो निकल गए। आज निकल के ये आए हैं, ये इस पार्टी का भी सौभाग्य है और इनका भी सौभाग्य है, जहां इनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और पूरी छूट मिलेगी। यही अंतर है। नीतीश कुमार जी क्या है कि जिस सभागार में आप बैठे हैं, इस सभागार का नाम हम लोगों ने कर्पूरी सभागार रखा। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का मुझको भी मौका मिला। जब से मैं 74 के आंदोलन के बाद से जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया, तब से कर्पूरी जी के मृत्यु के दिन तक उनके साथ काम करने का मुझको मौका मिला। क्या था उनका सपना? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था कि बिहार के पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए और एक जमात के रूप में उनकी पहचान बनाई जाए। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उस सपने को उन्होंने पूरा किया। जब तक लालू जी और उनका परिवार, उनकी पत्नी बिहार के शासन में थी, अति पिछड़े समाज के लोगों को अलग अलग जात में बांट के रखते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अति पिछड़ा समाज एक जात, अलग अलग जात नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग एक अति पिछड़ा समाज है और एक समाज में उनको बांध के रखा। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने अधिकार देना शुरू किया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।